में जुनून ला हासिल कर एक नया मुकाम तु चल उस राह पे जो दे तुझे एक नई दिशा नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम नई दिशाएं में जहां हमारे साथ हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर आर के सिंह जी नमस्कार सर तो आज हम आर के सिंह जी से बात करेंगे ऐसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स की जिन्हें लागू किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो उनमें से पहला स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना तो ये स्कूल योजना जो है वो क्या है सर आप दर्शकों को संचित में थोड़ा बताएं पीएम श्री स्कूल्स का जैसे पूरा नाम हम लोग ये रखते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स राइजिंग ऑफ इंडिया जी इसके तहत हम लोग जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जितने भी नॉर्म्स है उसके अनुसार इन ईच ब्लॉक सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक होंगे उसमें हम लोग एग्जाम्पलार स्कूल स्टैब्लिश करेंगे तो इस तरीके के और जितने भी विद्यालय इसके तहत चयनित होंगे उसके नाम के आगे लग जाएगा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल इस तरीके से उसका नामकरण हो जाएगा तो उसका कंटिन्यूस चलेगा एग्जाम्पल स्कूल का मीनिंग ये होता है कि दोनों मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल और एकेडमिक एरिया जी. दोनों को कवर करते हुए हंड्रेड परसेंट मीन्स कोई भी लैकुना न रहे ना तो बच्चों के लिए और क्योंकि इसका उद्देश्य जो है मेन कि हमको एक बच्चों को जो है गुड सिटीजन ऑफ इंडिया बनाना है और दूसरा नए भारत की तरफ जो है हम लोगों को सारे बच्चों को डेवलप करना है जी। और उनके एक ब्लॉक में एक ऐसा विद्यालय हो जो अनुकरणीय हो दूसरे विद्यालयों के लिए अगले और उसको उत्थान करने के लिए ये इनका मुख्य उद्देश्य के अनुसार जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लागू किया है तो सर जैसे कि आपने कहा कि एकेडमिक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इन दोनों को हम जो है इम्प्रूव करेंगे और डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम्पलर तो वो एग्जाम्पलर का जो आ, कुछ फीचर्स आप बताना चाहेंगे हाँ उसमें जैसे है कि इसमें फीचर्स ये हैं जैसे आपका बेसिक जितने भी एमिनिटीज़ होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे है दिव्यांगजन बच्चों के लिए रैंप हैंड रैंप है उनके लिए टॉयलेट्स है जी। जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स हैं आपका फिर लेबोरेटरीज प्रॉपर लेबोरेटरीज होनी चाहिए जी जी। फिर उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए फिर जैसे बेसिक कम्युनिटीज में हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है कॉन्टीन्यूस कम से कम जितने टाइम हमारा विद्यालय चले उतने टाइम हमारे स्कूल में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए दूसरा जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है पानी सप्लाई है मिड डे मील एवरी इसकी मतलब जितने भी हमारे मिनिमम हैं और फीड उनके जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंटिन्यूस दें बाय द दे वे अगर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अनवरत नहीं हो रहा है कहीं जो है हमारे जो है आउटर एरियाज़ में तो वहाँ पर कुछ अल्टरनेट व्यवस्था जैसे न, सोलर पैनल वगैरह की व्यवस्था हो जिससे कि विद्यालय में बच्चों को अधेरे में ना पढ़ना पड़े अगर डार्क आ जाता है कमरे में तो उसके लिए बेवलतर अल्टरनेट व्यवस्था के अभी इसमें प्रावधान है और है। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड भी हमारे दोनों तरीके के ब्लैक बोर्ड होने हैं जो एक डस्ट फ्री बोर्ड बोर्ड होते हैं जिसको हम लोग ग्रीन बोर्ड या दूसरा ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं स्लेट पैटर्न में आता है या हम डिजिटल बोर्ड उसमें स्थापित करें और दूसरे उनके लिए जितनी भी पुस्तकें हैं और करिकुलम के लिए जो एडिशनल सप्लीमेंट्री बुक्स हों या कुछ हों और उनके खेल के साधन हों लाइब्रेरी उनकी कैसी हो स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइब्रेरी एवरी पार्ट और लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन भी करना है तो उसके लिए क्या करना है टीचर्स को किस तरीके से हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हेंसमेंट कर सकते हैं कि एट पार वो इस तरीके का निर्माण कर सकें और उसमें कभी भी हम किसी भी टीचर की कमी ना होने पाए हेडमास्टर की कमी ना होने पाए ये सारा जो है सुनिश्चित करने के लिए इसका रखा गया एक एग्जाम्पलार पूरा इसके लिए प्रोग्रेटिव नाम्स बनाया गया है मिनिस्ट्री द्वारा उसके अनुसार कर रहे हैं तो uh, सर जैसे कि आपने कहा एकेडमिक स्ट्रेंथनिंग जो हम करेंगे उसमें क्या एक बच्चे का साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और एज अ सिटीजन उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, उसके अंदर जो होनी चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए या एज अ कम्प्लीट इंडिविजुअल उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर कोई आ, आ, जब हम कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हमारा ये कहना है कि भारत जो है भारत के पर्सपेक्टिव में एक जो है हमें नागरिक तैयार करना है जो भविष्य के नागरिक होगा जो देश को आगे बढ़ा के ले जाए और वो अपने जब वो आगे बढ़ा के तभी ले जा पाएगा जब वो हर तरीके से उसके चारों तरफ से उसकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी होगी और मेटलिस्टिक एजुकेशन भी होगी जब दोनों प्रकार की एजुकेशन बच्चों को मिलेगी तो दे कैन डेवलप एंड वो हमारे देश के लिए आगे प्रगति पे ले जाने के लिए उत्थान कर पाए जी सर बिल्कुल नॉलेज और एजुकेशन ये दोनों बहुत वैल्यू बेस्ड इज ऑल्सो नेसेसरी एंड मेटलिस्टिको ने विद दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए उस नागरिक को तैयार कराना है बिल्कुल सर बहुत ही अच्छा और इस दो तक कितने स्कूलों का चयन हो चुका है इसके तहत इसका चयन प्रक्रिया के बारे में ऐसा है कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने हमारे डायरेक्टर साहब ने जो है इसके साथ एम साइन होता है क्योंकि दोनों का सहयोग से होगा केवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको कहती रहे और हम यहाँ ना हो इसलिए इसमें पहले एम साइन होता है जी। फिर उसके तहत हम आगे बढ़ते हैं तो एम हमारा जैसे साइन हो गया साइन होने के बाद इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो बेंच है बेंच के लिए यू डाइस एक पोर्टल है हमारा जिसमें सारे स्कूलों का डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेती है उसके तहत लेने के बाद उसमें हर प्रकार का डाटा रहता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का क्या है उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं कितने गर्ल्स हैं कितने, कितने टॉयलेट्स हैं तो हाँ। जो है है स्कूल की कंडीशन वो वो आप सारा वो डाटा है। में रहता है। जी। और उस डाटा के अनुसार एक बेंच बनाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो जैसे मेरे पास तीन विद्यालय हैं गवर्नमेंट के तो उसमें उन्होंने उस सिलेक्शन किया पहले फेज में एक विद्यालय खाली मेरे बेंचमार्क स्कूल जो हैं उनके हिसाब से केवल 110 आए तो उस 110 में से फिर उनको जो है एक फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है वो हमारा कौन करता है डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे हमारे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो एक सलेक्शन करते हैं सारे जगह उनकी टीम जाती है और फिजिकल वेरिफिकेशन करती है कि उनके वाकई कितने मार्क आएंगे अच्छा, उस, मतलब जो हाँ, डिटेल्स उन्होंने दिया है उसके साथ जो जो है, है, है उसके साथ होता होता जो अंक आते हैं उसमें आएंगे और दूसरा रखा जाता है इसका दूसरा जो सबसे बड़ा पैमाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी जिसमें कम से कम 200 बच्चे रहेंगे विद्यालय में तभी इसका सिलेक्शन होता है मतलब जो सीनियर सेकेंडरी है और अगर प्राइमरी लेवल है तो चालीस या पचास तक भी होने से उसको ले लिया जाए पर है। क्लास चालीस या 50 ना पूरे स्कूल के सारे विद्यालय की स्ट्रेंथ जो है दो सौ होनी चाहिए कम से कम दो तो सौ हाँ, बच्चे एटलीस्ट होने चाहिए हाँ जो सीनियर सेकेंडरी है या सेकेंडरी है लेकिन जो प्राइमरी है उसके लिए चालीस से पचास में भी उनका सिलेक्शन होगा क्योंकि वो एक गांव में एक किलोमीटर की दूरी में ही रहते हैं तो मिनिमाइज रहते हैं जो आर एक्ट के अनुसार हमारा रहता है उसके सिलेक्शन में आते हैं अब उसके बाद जब सिलेक्शन होता है तो उसको हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सारे डीसी uh, साहब उसको जो है अप्रूवल देते हैं देन इट विल बी अपलोडेड उसका बाद अपलोड होने के बाद फिर स्टेट अब मान लीजिए उन्होंने दे दिया 20 से 25 विद्यालयों का नाम हर ब्लॉक से दो तीन नाम आ गए होंगे लेकिन यहाँ पर आकर के उसका बेंच में जो सबसे टॉप में रहेगा और स्टेट लेवल पर सलेक्शन होगा उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर स्टेट लेवल सिलेक्शन होने के बाद वो जाएगा वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी ऑनलाइन होते हैं कोई यहाँ कागज का इस्तेमाल नहीं होगा ना तो ऑफलाइन कोई लेटर जाएगा वो मिनिस्ट्री का ही पी श्री का पोर्टल है उसी में सारे चीज़ें सिलेक्शन होंगे अगेन वहाँ चला जाने के बाद फिर वहाँ से मिनिस्ट्री आप सिलेक्शन कर देगी तो उसके तहत जैसे हमारे हर ब्लॉक हमारे पास नौ ब्लॉक हैं सिटी ब्लॉक जो हैं और एक हमारे पास जो है म्यूनसिपल एरिया है तो टोटल मिला के दस बनते हैं तो इसलिए हमारे दस विद्यालय पहले फेज में सिलेक्शन किए गए जैसे आपका अगर हम यहाँ का बोलें हमारे ब्लॉक में तो पोडलेर एरिया में प्रात्रापुर सिलेक्शन हुआ है और अगर हम बोलें कि एक दूसरा हमारा जो फरारगंज ब्लॉक आता है और दूसरे तो उसमें हमारा जो है सिप्पी घाट स्कूल फिर हमारा बम्बू फ्लाट स्कूल बेमल्लीगंज एरिया के लिए ऐसे ही सबरी जंक्शन है हमारा रंगत एरिया के लिए फिर मायाबंदर एरिया के लिए हमारा सुदेश नगर स्कूल है फिर वहाँ के लिए हमारा सुभाष ग्राम स्कूल है और हमारा हटबे के लिए जो है हमारा जो है आर के पुर स्कूल है फिर वहाँ के लिए निकोबार में हमारा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मूस है फिर हमारे एक तपोंग विद्यालय है प्राइमरी स्कूल तपोंग जो है दानकौरी में है उसका सिलेक्शन हुआ है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैम्बल में इस तरीके से हमारे पास दस विद्यालयों का चयन हुआ है और इस साल से वो लागू हुआ है और इसके तहत जो है इस वर्ष हमारे पास इनका अनुदान भी आवंटित हो चुका है करीब टोटल है दस विद्यालयों के लिए इस वर्ष जो है 8.5 करोड़ के नियर अबाउट इनको फंड सेंक्शन हुआ है, है। जिसमें कि 50 परसेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और 50 परसेंट हमारा जो है एकेडमिक के लिए दोनों के लिए जैसे उसमें साइंटिफिक है और अदर्स है ट्रेनिंग है बहुत सारी चीज़ें हैं लाइब्रेरी के लिए है उनका स्कूल में अगर कुछ टूट फूट जाता है तो स्कूल ग्रांट है सारे इस तरीके के दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे उनको लैब नहीं है तो लैब पहले तो सारे बहुत कुछ हैं जो नहीं है, नहीं है गैप हो रहा है वो गैप को फिल कर रहा है तो इस तरीके के पूरे के पूरे इसमें दिए गए हैं ये जो स्कूल का सिलेक्शन होता है इनमें ऐसे कई स्कूल है जो चाहते हैं कि इनका भी सिलेक्शन होता कि इनमें इंप्रूवमेंट आए तो स्कूल्स क्या कर सकती हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो इस आ, स्कीम के तहत इसमें मैडम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेन है यूडाइस में स्कूल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल के हुँ. पास जो है वो वस्तुतः यूडाइस में रिफ्लेक्ट करता है अच्छु. क्योंकि हमारे पास स्कूल में क्या डाटा है कितने कमरे हैं कितने मेरे पास क्या हैं और कितने टीचर हैं कितने मेरे पास लेबॉट्रीज हैं कितने हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी uh, की सुविधा है कि नहीं वो सारी चीज़ें उसमें भरी रहती हैं अबाउट करीब डेढ़ सौ पॉइंट रहते हैं तो उसमें भरने के बाद उसमें ही मार्किंग हो जाती है तो स्कूल कुछ भर नहीं सकता <laughs> जो उनके पास है वो रिफ्लेक्ट करता है उसके आधार पर सिलेक्शन होता है और एक सिलेक्शन और है कि मान लीजिए कुछ अगर लैकिंग भी अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स मान लीजिए हज़ार बच्चे हैं और लेकिन वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वगैरह कम भी है तो इस ऐसे इस विद्यालय को पहले सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें जरूरत हाँ जरूरा मतलब जहां ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं टारगेट द मोर स्टूडेंट्स तो जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उनको टारगेट करके उनका सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे करती है ताकि सुविधा मतलब है कि ज्यादा लोगों को सुविधाएं इसकी मिल सके और बच्चे लाभान्वित हो जिससे कि हमारे सोसाइटी में भी एक क्रेज आए और उनका भी सारा जो है परिवर्तन और उनका सारी चीजें हो जाए और माध्यम इनका जो भी हो जिस भी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं उसी माध्यम में वहाँ की शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी तो जैसे दस ब्लॉक में का हो चुका। जी। अब की प्रक्रिया चल रही है अच्छा अब वो प्रक्रिया जब कंप्लीट होगी उसका डेटा कलेक्शन का चल रहा है डाटा कलेक्शन उनका पास ऑलरेडी रहता ही है वो अपडेटेड डाटा भी हर साल भरा जाता है तो अपडेटेड डाटा भी है जिसमें बच्चों की नाम के साथ टीचर के नाम के साथ सारी डाटा यूडाइज में रहता है वो एक ऐसा पोर्टल है कि जिसमें हर स्कूल के पूरे इंडिया के सारे स्कूल की इंफॉर्मेशन और बच्चे की इंफॉर्मेशन रहती है तो वो उनके पास एक डाटा मिनिस्ट्री के पास रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो अकॉर्डिंगली वो उसके हिसाब से सलेक्शन होता है फिर उसमें से बेस्ट सलेक्शन होता है जो हमारा स्टेट करता है फिर उसके पास चला जाता है ये जो पी एम श्री स्कूल है हम भी आशा करते हैं कि ज़्यादा स्कूलों को इसका जो है बेनिफिट मिले ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो और एज अ सोसाइटी सोसाइटी को क्या बेनिफिट uh, होता है इससे अब हमारे पास एस्पिरेशनल ब्लॉक भी हैं जहाँ की बहुत कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं है जी मान लीजिए पोर्ट लेयर में तो बहुत सुविधाएं हैं लेकिन अभी हम जाएंगे हमारे अन्य द्वीपों में तो उतनी सुविधाएं नहीं है नहीं। लेकिन जो सुविधा पूर्ड लेर के एग्जाम्प्लार स्कूल को मिलेगी वही सारी सुविधाएं जो है आपको हम रंगत मायावंदर डिगलीपुर केम्बल वे हट वे सारे जगह हम उसको प्रोवाइड कर पाएंगे तो वो जब उन बच्चों को वही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और उनको उस स्टैंडर्ड की अगर उनको एकेडमिक इन्वायरमेंट और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट सारा बेस्ट रहेगा तो उनको जो है ज़्यादा लाभ मिलेगा सोसाइटी के लिए होगा कि वो वहीं पर रह करके अपने स्थान पर ही रह करके अपने के इम्प्रूव कर सकते हैं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि सोसाइटी को बहुत इम्प्रूव अब तक हमने सुना कि पी श्री योजना ये बच्चों को और पूरे सोसाइटी को कैसे लाभान्वित करेगा अब इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानेंगे जो है एन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में आप संक्षिप्त में कुछ बताएंगे इसे भी जो है एन 2020 के तहत जी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा लागू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि विथ दिस एम कि दो तक हम जो है हमारे भारत में संपूर्ण लिटरेसी हो जाए क्योंकि पूरे भारत में कहीं पर भी इलिटरेट ना रहें मतलब सभी की लिटरेसी कंप्लीट होनी चाहिए 100 परसेंट लिटरेसी अचीव करने के लिए 27 का टारगेट इसमें दिया गया जिसका कि एस डी जी फोर पॉइंट सिक्स जो गोल है हमारा जैसे उसमें कहता है कि 2030 तक सभी को सभी भारतवासियों को जो है लिटरेट हो जाना है तो उसके तहत एक प्रोग्राम बनाया गया है कि सारे लोगों को लिटरेट कर दिया जाए तो इस प्रोग्राम में हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है इसको इंश्योर करना है कि बच्चों को जो फाउंडेशन मतलब उनको कहीं भी जा रहे हैं तो कम से कम लिख लिखना और पढ़ना पढ़ना आता है। जैसे साइन बोर्ड वगैरह है पढ़ लें और अगर उनको अपना बैंक में कुछ काम कराना है तो कर लें ये और मिनिमम निम्बरे जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होते हैं मैडम इसके लिए एक प्रोग्राम निर्धारित किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जी तो हमारे दीपो में पहले जो लिटरेसी रेट थी वो क्या थी अब डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन द्वारा क्या पहल की गई है उसको सुधारने के लिए एक्चुअली 2011 सेंसस में जब हमारी इसकी रिपोर्ट आई तो हमारे जो अंडमान निकोबार की लिटरेसी रेट जो है 86.6 परसेंट था अच्छा और जिसमें करीब हमारा 90 परसेंट मेल का था और जो है 83 परसेंट जो है हमारी फीमेल्स का था तो ये जो लिटरेसी रेट नाइन्टी परसेंट जेंट्स में ज़्यादा देखी गई लेडीज़ में थोड़ा कम देखी गई तो उसको हमारा ये था तो उस समय जो हमारा प्रोग्राम बनाया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एडल्ट एजुकेशन सेल है वहाँ के थ्रू जो है सभी जितने भी आइडेंटिफाइड विलेजेस हैं जहाँ पर कि लोग या हमारे पास जो वार्ड वार्ड हैं वहाँ पर आइडेंटिफाइड जो है एडल्ट एजुकेशन सेंटर स्थापित किए गए मतलब स्कूलों में या ग्राम पंचायतों में जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ शाम को इकट्ठे करके कुछ लोगों को पढ़ा जाए इसके लिए जो हमारे ग्राम प्रधान होते थे और इससे वो जो है एक वहीं के जो लोकल होते थे उनको एज ए प्रेर, प्रेरक प्रेरक नियुक्त करते थे तो प्रेरक जो है उनको जो है जैसे उनका हम लोग कभी उसमें जो है पेपर प्रोवाइड करते थे नहीं। कभी नहीं। उनको है कुछ नुक्कड़ माध्यम से इस तरीके से उनकी जो है लिखने की उनको दस्खत करने की ये सारी चीज़ें सिखाते थे जी। तो वो उसमें क्या होता क्योंकि शाम का समय होता था तो जब भी समय मिलता है नॉर्मली छः सात बजे के ही आते एक घंटे के लिए तो लोग एक मतलब ग्राम सभा में आराम से बैठ करके आपस में बात करके चलो हम लोग लिखते हैं आपका नाम क्या है, ये है, नहीं। नहीं। है, है। तो ये का ऐसे लिखें जिसकी जो भाषा है उस भाषा में लिखते थे ये हमारा प्रोग्राम चल रहा था लेकिन है कि जब ये आया कि नहीं ये बहुत धीमा प्रोसेस है उसमें अनिच्छा भी बहुत रहती थी कि कुछ तो मिलना नहीं खाली सीखना ही है जी, जी। तो इसको सब ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जब कहा तो एन के माध्यम से सारे एक नया इस पर कार्यक्रम तैयार हुआ तो इसको न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से रखा गया और अब इसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया हमारे द्वीपों में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले वर्ष हो गया है और इस साल से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं तो जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लोग इच्छुक नहीं होते थे कि सीखना है उनके हाँ। अंदर उतनी मतलब वो मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाता था तो इस प्रोग्राम के तहत कैसी नई तकनीकें आई हैं जिससे मोटिवेशन उनको मिल रहा है या फिर उनकी अंदर जो इच्छा है पढ़ाई की या सीखने की वो कैसे बढ़ावा पा रही है अभी डिजिटाइजेशन और हमारा मोबाइल जो चला है उसके वजह से काफ़ी गाँव में जो हमारे जो है असाक्षर भाई बहन हैं वो सारे के सारे क्या है कि अब उनको लगता है कि नहीं हमें इस मोबाइल में कैसे लगाना है अपने बेटा को या बेटी को या पोता को पोती को किस तरीके से हम कांटेक्ट करें उनका नाम नहीं समझ पा रहे तो वो उनके अंदर क्रेज आता है अच्छा कैसे करें जी, जी, जी। तो वो सीखने के माध्यम से ये एक चीज़ आया कि अब इनको थोड़ा सा कर सकते तो अगर इसके लिए एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया जाए और इनके लिए एक सिलेबस बना दिया जाए एक इनका एक प्राइमर टाइप का कुछ बना दिया जाए कि इनको ये सीखना है और एक इनको और अपॉर्चुनिटी दिया है कि इनको अगर एक सर्टिफिकेशन कर दिया जाए जी। तो सर्टिफिकेशन होने से मिलता कि नहीं हमको एक ये मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो इस तरीके से जो है एक उनको डेवलप करने के लिए कंप्लीट प्रोग्राम का इसका निर्माण किया गया और हम ये आपको बता लेते हुए हमें खुशी हो रही है कि इसका जो प्राइमर बन रहा था तो प्राइमर बनाते समय भी ये पहले केवल हिंदी में बना था जी तो जिसका ट्रांसलेशन जो है हमारे राज्य शिक्षण संस्थान के हमारे जो टीचर्स हैं जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इन्होंने जो है सारा इंग्लिश तमिल तेलुगु और बंगला में इसका जो है इन्होंने ट्रांसलेशन किया अच्छा। इस बुक का नाम उजास था और अभी उसका उल्लास नाम से चल रहा है तो उसका पूरा ट्रांसलेशन हमारे नहीं लोगों ने ही किया है कि फर्स्ट टाइम और एन ने हमें अप्रिशिएट भी किया कि अंडमान निकोबार एक ऐसा जो है हमारा इंडियन टेरिटरी है छोटा होने के बावजूद भी क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी वर्णाकुलर लैंग्वेजेस में है हमारे क्योंकि एक नहीं है केवल एक ही भाषा चल रही है, ऐसा वाला नहीं है। तो हमारे पास जो है बहुभाषी है वर्नाकुलर तो जितने में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है उस सभी उसमें हम लोगों ने उस प्राइमर को बना दिया और प्राइमर जो है अभी ऑनलाइन उपलब्ध है अच्छा इसके लिए मिनिस्ट्री ने एक ऐप बना दिया है उल्लास ऐप आप, आप चाहेंगी तो अपने मोबाइल में अगर डाउनलोड करेंगी एक उल्लास ऐप मारेंगी तो आ जाएगा तो उल्लास ऐप आप, आप जब डाउनलोड करेंगी तो आप उसमें क्लिक करेंगी तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं ऑप्शन जैसे पहले एक होता है कि आप अगर अस्क्षर हैं तो आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप उसमें उसका आप रजिस्ट्रेशन का सारा प्रक्रिया दिया हुआ है कि आपका नाम भरना है पिता का नाम भरना है फिर आपका या पति का नाम भरना है फिर नीचे आपका जो है आधार नंबर वगैरह या आधार नंबर नहीं है तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सारे चीज़ें उसमें भरने की है Register. अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो उसको जो है हमारा जो वॉल्टियर एक टीचर के लिए भी ऑप्शन है जी. कि कोई भी वॉल्टियर आप भी हो सकती हैं यहाँ भी सारे लोग हो सकते हैं तो उसमें जो है वो वॉल्टियर अपने को रजिस्टर करेगा और वो देखेगा कि हमारे अगल बगल में कौन असाक्षर है उसके नाम का वो वॉल्टियर कर लेगा वो इंक्लूड कर लेगा अच्छा। कि इस जो लर्नर है इसका वॉल्टियर टीचर मैं हूँ इस तरीके से उसका प्रावधान किया गया है कि उसमें जरूरी नहीं है कि बीस जन 5 जन दस जन आने की जरूरत नहीं आपको ऑनलाइन ही टीचिंग हो जाएगी अगर कहीं पर जैसे अब हमारे बहुत क्षेत्रों में तो ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो ऑफलाइन की भी हमारे यहाँ सुविधा हम लोगों ने रखा है अच्छा तो क्योंकि हमने वहाँ मिनिस्ट्री में बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि हमारे पास हर क्षेत्र में नेटवर्क की उपस्थिति नहीं है नहीं। और क्योंकि और कई जगहों पर ऐसे भी हैं कि हो सकता है उनके पास जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह ना हो बेसिक फ़ोन हो जी, जी तो उनको दिक्कत होगी तो इसके लिए जो है ऑफलाइन का भी ऑप्शन हम लोगों को मिला है तो सारे लोगों को जहाँ जहाँ इस तरीके का ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ तो जो जैसे म्यूनिसपल एरिया के हैं लोग ऑनलाइन कर लेते हैं और इसमें ये ऑप्शन है कि आप अपने घर में ही हैं जी जी कहीं और दाएं आप मान लीजिए आपके घर में आपकी दादी हैं नहीं। वो नहीं जानती हैं तो आप उनकी वॉलेंटियर टीचर बन सकते हैं जी। और आप ही उनको जो है रजिस्ट्रेशन करा करके कि मैं इनको जो है इतना सिखा दूंगी कि अपना मोबाइल चला सकें अपना बेटा या बेटी या किसी को भी अपने नाती पोतों को जो है फोन लगा के बात कर सकें या जाना है अस्पताल जाना है या कहीं जाना है या बैंक में जाना है तो कम से कम अपना अंगूठा ना लगाने के बजाय साइन करने कर और अगर कुछ पेपर आता है मान लीजिए घर में कोई नहीं वही बैठी है, तो भाई देख सके कहाँ से आया क्या है क्या आया है तो वो जो हाँ है, वो तो ये जो है इसके लिए रखा गया है तो इसमें कभी कभी क्या होता जो हमारी दादी लोग हैं जो कम उम्र वाले हैं तो ठीक है बीच के लिटरेसी लेकिन जो ज़्यादा उम्र के हैं वो अपने जो है ग्रैंड डॉटर या सन से ज़्यादा अटैच रहते हैं तो उनके रहते। साथ वो सीखने में ज़्यादा तो हम लोगों ने फोकस किया कि जितने भी बच्चे हैं ईच वन टू टीच वन तो मतलब वो उस कॉन्सेप्ट में आपके घर का ही वॉलेंटियर टीचर हो जाए या बाहर में आप किसी को भी ले सकते हैं अगर मान लीजिए उनके घर में तो बगल वाला उनको कर ले तो इस तरीके का एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है तो उस कॉन्सेप्ट के तहत एम यह है कि इसको हम लोग कंप्लीट कर लें अब उसमें जो है जैसे उल्लास में ऐप में आप में और जाएंगे तो उसमें जाएगा प्राइमर मतलब उनकी बुक्स क्या क्या है बुक्स क्या तो उसमें आपकी हिंदी में भी मिल जाएगी जो आपके लिए है आपको पढ़ना क्या है अब उसमें बेसिक क्या है जैसे एक साइन बोर्ड लगा है डाकखाना है पोस्ट ऑफिस अब आपका ये अस्पताल है तो ऐसे क्या है कि उसको चिन्ह का भी ज्ञान हो जाए और आपका जो है पढ़ के भी उनको पता लग जाए मान लीजिए वो अकेले चले जा रहे हैं तो उनको पता लग जाए इस तरीके की वो सारी चीज़ें को उसका क्या होता है किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें पहचान लें तो वो उनका जो सिलेबस और जिसका उसमें बुक बनाई गई है उन्हीं के माध्यम से बहुत सरल माध्यम है अगर आप देखेंगी उल्ला साहब तो खोल करके सारे जो भी हमारे सुन रहे हैं और अगर वो खोल के देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें उसमें जानकारी मिल जाएगी तो चाहे जो भाषा भी हमारे पास जो है उपलब्ध है हिंदी है इंग्लिश है और तमिल तेलुगु बंगाली हमारे पास तो इतना उपलब्ध है मिनिस्ट्री आपका उसमें उल्लास में है तो ऑलरेडी जब उसमें आप निकालेंगे तो मिल जाएगा अदरवाइज जो उसके पास नहीं है तो हमने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं क्योंकि हमारे पास सभी एरियाज में जहाँ भी इनहेबिटेंट हैं हमने हर एक किलोमीटर पे एक विद्यालय खोल कर रखा है अच्छा। प्राइमरी स्कूल अंडर आर एक्ट तो वो क्या है कि हमारी रीच एकदम लास्ट कॉर्नर तक जा रही है हम ऐसे भी एरिया में हैं जहाँ पर कि हमारे पास चार या पांच ही घर हैं लेकिन वहाँ पर भी हमारा एक छोटा विद्यालय है पांच या दस बच्चे भी हैं वहाँ पे तो हम हमारे अध्यापक हैं वहाँ हमारे पास एक छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है hmm. कम से कम दो कमरे हैं ऑल वेदर बिल्डिंग का टाइप में और वहाँ पर सब सुविधाएँ हैं हमारी वहाँ पर जो है सेंटर बनाया गया है कि शाम को या जो भी कन्वीनियंट टाइम हो जो आना चाहे वहाँ बैठ कर के उनको हमारा कमरा खुलेगा उनका जो टीचर इंचार्ज होगा या हेडमास्टर होगा वो सारी चीज़ें देखेगा इस तरीके से उनको पूरा का पूरा ज्ञान वहाँ पर मिलेगा और वो सभी साक्षर होंगे और इसके लिए एग्ज़ाम के लिए व्यवस्था की गई है कि एन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है इसके द्वारा इसकी सर्टिफिकेशन होगा दो बार इसका एग्ज़ाम होगा जी एक होता है सेप्टेम्बर अक्टूबर में दूसरा होता है फरवरी मार्च मतलब कितने लोग उस लेवल हाँ, तक पहुंच पाए जो कि डिजायर्ड हाँ हाँ तो जैसे हमने इसमें बताया कि अभी हम लोगों ने इसके लिए एक सर्वे किया इस साल उस सर्वे में हमको तेरह हजार छह सौ तैतीस थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री हमको जो है लर्नर मिले जो कि पंद्रह साल से ऊपर वाले हैं अच्छा मतलब हम लोग एडल्ट लर्नर्स की बात करते हैं क्योंकि पंद्रह साल के नीचे लगभग हम सारे स्कूल को सारे बच्चों को स्कूल में रखे हुए हैं तो उनका ऊपर का टारगेट में सारा हमने लिया जिसमें हमको ये मिले हैं तेरह हजार छः सौ तैंतीस उनका टारगेट हम लोगों ने रखा है तो अभी उनका हम लोगों जो है स्टार्ट कर दिया है और इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी हुई है जिसमें हमारे सेक्रेटरी जो है उसकी चेयरपर्सन है उनके तहत जो है सारे जिसमें कि सारे जिला परिषद हैं हमारा म्यूनिसपल एरिया है और सारे प्रधान वगैरह सबको इंक्लूड करके ये कंप्लीट बनाया जा रहा है कि इस देश को जो है हमें साक्षर करना है हंड्रेड परसेंट तो है। हमारा टारगेट इस साल चल रहा है कि हम जो है यूटी को सारे लर्नर्स को जितने भी आइडेंटिफाई थे सबको हमने ले लिया है कि हम सबका साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे को पढ़ाई स्टार्ट करा दी गई है और ये आगे आने वाले दिन में हम जो फरवरी एग्जाम होगा उसमें हम उनको बैठाएंगे अगर उसमें कुछ सक्सेस होते हैं कुछ नहीं भी होते फिर उनको अगला वाले में हम छह महीने के बाद फिर एग्जाम होगा उसमें बैठाएंगे लेकिन दे विल गेट दैट वन टू या थ्री टाइम में उनको सर्टिफिकेशन हो जाएगा और हमारे पास हंड्रेड परसेंट लिटरेसी हम कैसे भी चौबीस पच्चीस तक उसको अचीव ही कर लेंगे ये हमारा टारगेट है जैसे कि आपने सुना की लिटरेसी बहुत जरूरी है साक्षरता इतनी ज़रूरी है आजकल के समय में कि हर एक इंसान को एटलीस्ट पढ़ना लिखना ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए और इसके लिए क्या पहल ली गई है हमारे आ, आ, पीएम की तरफ से और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस आइलैंड के उनकी तरफ से तो इसके साथ हम आगे बढ़े और इस लिटरेसी को जो भी हमारे लोग आप देख रहे हैं इस स्कीम के तहत आप इनसे जुड़े और जो इन्होंने हमें बताई है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं दोनों का हम लाभ उठाएं और स्कीम को अपने जीवन में कैसे धारण करें कैसे आगे बढ़े, इन सभी चीज़ों को हम महत्वपूर्णता दें और ऐसे ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो आज हमने दो स्कीम्स के बारे में बात की इन दोनों स्कीम्स को हम सभी इनके जो फैक्टर्स है उनको माइंड में रखेंगे और इनको चाहेंगे कि आप सभी भी इन्हें फॉलो करें तो हमारे साथ हमारे श्री आर के सिंह जी आज आप जुड़े और इन स्कीम्स के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी हम सभी इनका लाभ उठाएंगे और चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही मौजूद रहें और हमें और भी जानकारी आपसे मिलती रहे धन्यवाद, धन्यवाद सर तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद हम चाहेंगे आप भी हमारे कार्यक्रम नई दिशाएं में इसी तरह जुड़े रहें ताकि हम आपको नई नई पीएम की स्कीम्स के बारे में और जानकारी दे सके ठीक। नमस्कार ठीक।